बैग्स भी है जी यहाँ पे, बच्चों के 3 बच्चों के बैग्स भी है यहाँ पे। तो इनको शायद रेस्क्यू किया गया है, 2 बच्चों को, 32 इसमें थे, तो 25 बच्चे हैं, तो 7 बड़े हैं। तो ब्रिज बन रहा है लेकिन 12 साल से वो कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट आज हुआ है। अगर बात करेंगे आज की तो बहुत दुख की बात है, बिल्कुल। मगर कहना पड़ेगा आपको कि क्या हुआ है, डिटेल में थोड़ा बताओ। एक्चुअली देखा यहाँ पे कि बच्चों के बैग भी बैग्स भी है यहाँ पे, बच्चों के 3 बच्चों के बैग्स भी है यहाँ पे। तो इनको शायद रेस्क्यू किया गया है, 2 बच्चों को, एक इनमें से एक का नाम है फरहान वसीम है एक का नाम, तो दूसरे का नाम क्या, आयशा बिलाल और अंसा है तीसरे, अंसा, हाँ, 3 बच्चों को फिलहाल इनके बैग्स भी यहाँ पे है, तो इनको रेस्क्यू भी शायद किया हुआ है। अभी तक पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी पूरी, तो इनको शायद रेस्क्यू किया गया है। कुछ आइडिया कि इस बोट में कितने बच्चे थे और कितने करीबन करीबन इसमें यहाँ के मतलब लोकल्स ये बता रहे हैं कि 32 इसमें थे, तो 25 बच्चे हैं, तो 7 बड़े हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हाँ, अभी पानी का दबाव बहुत ज़्यादा है, पानी का दबाव बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से यहाँ मुश्किल है, यहाँ कोई रुका होगा अभी तक तो बाकी ऊपर वाला जानता है। ये यहाँ पुल में भी है कि यहाँ पे कुछ पुल बनने पुल, हाँ, यहाँ पे नहीं 7 साल से नहीं, 12 साल से यहाँ पे फुटब्रिज बन रहा है लेकिन 12 साल से वो कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट आज हुआ है। बिल्कुल, ये बिल्कुल गवर्नमेंट की लापरवाही से हुआ है, बाकी कुछ नहीं। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.